हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो हमारा जो था उसमें हमने वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स को कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था? हमने आइगन फंक्शन फाइंड आउट किया था, साई, ठीक है, साई फाइंड आउट किया था। इसके अलावा साई हमारा आया था रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, जहाँ पर एन जो है वो 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ठीक है। इसके लिए जो आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma2। बाकी आप इसे एच कट को एच अपॉन 2π वाली फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एन जो है वो 1, 2, 3 अलग अलग रख सकते हैं। तो हमने देखा था कि एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट थी, ठीक है, और जो फंक्शन साई है लेकिन उस पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, इवन या ऑड। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि जब एन बराबर 1, 3, 5 यानी कि ऑड नंबर होंगे तो पार्टिकल की x इज इक्वल्स टू ए बाई टू पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलती है ना। हमने देखा था ये n बराबर 1 के लिए थी, फिर n बराबर 3 के लिए भी मैक्सिमम आई थी, 5 के लिए भी x इज इक्वल्स टू ए बाई टू पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई थी, ठीक है। लेकिन जो n इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 अगर इवन नंबर होगा तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी मिनिमम आएगी, है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने सारी देख ली थी। और ये सारा पोर्शन जो है किसके लिए था? इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए, इनफाइनाइट वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के लिए। पूरा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसको हम क्लासिकल फिजिक्स से भी कंपेयर कर चुके हैं। कल जाते जाते मैंने कंपेयर करवा दिया था आपको कि क्लासिकल इस चीज़ के बारे में क्या बोलती है, क्वांटम क्या बोलती है। बुक में भी मिल जाएगा आपको, बाकी मैंने समझा भी दिया, आप प्रीवियस वीडियो पे जाएं वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है, अच्छा इसमें जो बॉक्स था आपका उसके कोऑर्डिनेट थे 0 और a, है ना। मतलब इसकी जो बाउंड्रीज है वो 0 से a या 0 से 2a या a से 2a इस तरीके की होगी। मतलब ये सिमेट्रिकल बॉक्स नहीं था। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा, उसमें पोटेंशियल जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा। कैसे सिमेट्रिकल होगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशन वन डायमेंशनल परफेक्टली रिजिड बॉक्स, मगर ये है कैसा? सिमेट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का तो वही है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन परफेक्टली रिजिड बॉक्स, ये तो हमारा प्रीवियस टॉपिक ही था। लेकिन वो पोटेंशियल सिमेट्रिकल नहीं था, इसमें आपका पोटेंशियल कैसा होगा? सिमेट्रिकल। तो हिंदी में हेडिंग क्या होगी? एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में कण, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे सममित विभव, ठीक है। ठीक है भाई, तो पार्टिकल आपका अभी भी एक वन डायमेंशन बॉक्स में ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। और उस एक मतलब बॉक्स में अंतर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारे रिजल्ट्स में भी चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार आपको चीज़ों को समझना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि पहला वाला जो टॉपिक था वो आपने पहली बार पढ़ा था, बिल्कुल नया टॉपिक था, तरीका बिल्कुल नया था। तो अब हमें उसी तरीके को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। बीच बीच में कुछ एक चीज़ें चेंज होंगी, वो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा केस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी, तो वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो वो पहले वाला टॉपिक बिल्कुल न्यू था, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, बाकी आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम था, अब आप जो आगे जितने भी टॉपिक पढ़ोगे वो इसी बेसिस पे है, वो प्रोसेस वही रहेगा, कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी तो वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिमेट्रिकल पोटेंशियल से क्या मतलब है। बॉक्स अभी भी वैसा ही है हमारा, इनफाइनाइट ही है पहले की तरह। यहाँ पर बाउंड्रीज पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? इनफाइनाइट, उसमें भी थी, ठीक है। पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, मतलब पार्टिकल इज़ मूविंग फ्रीली, ठीक है, वो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे? x इज इक्वल टू बॉक्स की बाउंड्रीज है -a/2 से +a/2 के बीच में, है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि -a/2 से +a/2, लेकिन होंगी कैसी बाउंड्रीज? या तो x इज इक्वल टू -a से +a होगा,
या फिर माइनस टू ए से प्लस टू ए होगा, ठीक है। तो आप पहचानोगे कैसे कि बॉक्स सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, वो आप ऐसे पहचानोगे कि अगर कोऑर्डिनेट्स इस तरीके के हों जो नेगेटिव में है वही पॉजिटिव में हो। जैसे ये माइनस ए, हम विड्थ जो है हम अभी भी ए ही लेकर के चल रहे हैं ताकि ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। पिछला हमारा जो बॉक्स था वो ज़ीरो से ए तक था, तो उसकी जो लेंथ थी हमारी, या जो भी बोलो आप, विड्थ बोलो ब्रेथ बोलो, ये जो थी उसकी बॉक्स की जो चौड़ाई थी वो ज़ीरो से ए थी, तो थी तो ए ही है ना। अभी भी ये माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू मिलकर बन तो ए ही रही है, ठीक है। तो ज़्यादा चेंजेस ना हो इसलिए, बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि सिमेट्रिकल आप पहचानोगे कैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव में सेम होगा, या तो माइनस ए से ए होगा, या माइनस टू ए से प्लस टू ए होगा, या माइनस फाइव ए से प्लस फाइव ए हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होगी नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे आपको पता चलेगा कि बॉक्स सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल। अब इसमें ज़ीरो से ए हो सकता था, ए से टू ए हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे माइनस प्लस का इशू नहीं था, तो जहाँ माइनस प्लस का इशू होगा वो बॉक्स कैसा होगा, सिमेट्रिकल पोटेंशियल बॉक्स होगा। समझ में आ गई बात आपको? इनफाइनाइट बॉक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी बाउंड्रीज पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। समझ में आ गई बात आपको? चलें, अब जैसे हमने पिछला बॉक्स जो था ज़ीरो से ए, तो हमने पोटेंशियल बताया था कि भाई वी एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो थी। कब कब ज़ीरो थी? ज़ीरो तब तक थी जब एक्स की वैल्यू जो है ज़ीरो से लेकर के ए के बीच में थी, मतलब बॉक्स के अंदर अंदर थी। लेकिन एक्स से ज़ीरो से छोटी और एक्स से बड़ी, सॉरी ए से बड़ी है ना, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, वहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट था। यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस थी, सेम ऐसी ही कंडीशंस जो हैं वो यहाँ भी लगेगी, कहाँ, इस बॉक्स में, ठीक है। कैसे होगी इसकी कंडीशन, क्या क्या होंगी कि इसके लिए पोटेंशियल जो है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, कहाँ कहाँ, पोटेंशियल इस बॉक्स के अंदर अंदर, अंदर अंदर पार्टिकल के लिए, यानी कि जब एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू के बीच में होगी तो पार्टिकल का पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और इसका इनफाइनाइट पोटेंशियल कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू। इक्वल्स इसलिए क्योंकि बाउंड्री पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है, बाउंड्री के इधर तो इनफाइनाइट है ही, बाउंड्री पर भी इनफाइनाइट है, इसलिए लेस देन भी और इक्वल टू भी, ठीक है। और जब एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू होगी। बात समझ में आ रही है? तो सिमेट्रिकल पोटेंशियल में आपको वो बोल देगा कि आपकी जो भी लेंथ है या ब्रेथ है वो कितनी लेनी है, आपको ए लेनी है। अगर आपसे कोई कहे 2a विड्थ के लिए या 2a ब्रेथ के लिए एक इनफाइनाइट सिमेट्रिकल पोटेंशियल बॉक्स के लिए फाइंड आउट करो आपका आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू जो भी है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए, तो जो बीच की डिस्टेंस आती वो 2a आती, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो चेंजेस कर सकता है पेपर में, हालांकि पीएससी में ऐसे केसेस मैंने देखे नहीं है, लेकिन फिर भी कर दे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं भी करे तो भी पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बता के चल रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको बाउंड्री कंडीशंस मतलब समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, कंसीडर एक पार्टिकल, दिखा दीजिए जो मूव कर रहा है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इनटू द इनफाइनाइट सिमेट्रिकल वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ स्मॉल a, ठीक है। समझ में आ गई? लेंथ तो इसकी कितनी है, स्मॉल a है ना, और बाकी उस पर जो कंडीशंस है वो ये लिख दी है मैंने कि क्या क्या है, पता है आपको वो सभी, ठीक है। अब आपको क्या काम करना रहेगा, आपको वही करना है, फंक्शंस आई फाइंड आउट करना है। पिछला जो था हमारा जीरो से ए के लिए, तो हमने क्या कहा था कि जो एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, तो वहाँ पर तो जहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा वहाँ पर फोर्स भी इनफाइनाइट होगा, फोर्स इनफाइनाइट होगा जिसकी वजह से फंक्शन ज़ीरो होगा, पता है ना आपको। वहाँ भी तो हमने लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए के लिए साई एक्स की वैल्यू ज़ीरो लिखी थी,
ऐसे ही यहाँ पर भी जो नीचे वाली कंडीशन है जहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहाँ पर फंक्शन जीरो होगा। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, जहाँ पोटेंशियल जीरो है उसके लिए मिलेगी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। दूसरी बात ये कि बाउंड्रीज पर क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है इसलिए फोर्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। अगर पार्टिकल इसकी बाउंड्री पर आने की कोशिश करेगा, मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको बात, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, यहाँ आएगा तो इधर लगेगा फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये बाउंड्रीज पर कभी नहीं आ सकता। इसके बॉक्स के अंदर अंदर कभी भी मूव कर सकता है, बॉक्स के बाहर भी नहीं निकल सकता वो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है मतलब आगे तक इनफाइनाइट है। ठीक है, तो वो ऐसे करके बाहर भी नहीं निकल सकता, ऐसे करके बाहर भी नहीं निकल सकता, वो केवल बॉक्स के अंदर ही रह सकता है। समझ में आ गई? ठीक है। तो अब आगे क्या लिखेंगे आप? सिंस फॉर x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू, वी एक्स इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देयर फोर साई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका तो कोई इश्यू नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस पर। नाउ इफ x, नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू, सॉरी x की वैल्यू माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू के बीच में है, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी, है ना? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, पर फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, फिर मैं आगे की चीज़ें डायरेक्ट लिख दूंगी। मैं डायरेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में भी आनी चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार और पूरा बता देती हूँ, है ना? वी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगा, तो इसका मतलब कहाँ से श्रोडिंगर इक्वेशन, ये कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि समय अनाश्रित, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, वो वाली श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, एच का मतलब हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। समझ में आ रही है? काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा टू। काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये सब बता रखा है मैंने पहले, कि काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, पता है ना आपको? पी के, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? माइनस एच कट स्क्वायर डेल्टा टू, टू एम तो ये है ही, इसलिए आया है। समझ, पहले सब बता रखा है ये मैंने। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी, है ना, और बाहर कितना है? साई इज इक्वल्स टू ई साई। अब वी तो जीरो है आपका, वी तो जीरो है, इसलिए आपका क्या आ गया? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा टू साई एक्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये एक्स के फंक्शन है, अंडरस्टूड है, बाकी लिख दो आपकी मर्जी है। तो इधर क्या है? ई साई एक्स। समझ में आ गई? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए साई एक्स चाहिए, है ना? ये डेल्टा टू का क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे डेल्टा टू से कन्फ्यूज़ मत हो, आपको समझ से आ रही है, तो आप डेल्टा टू बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो कैसा है? वन डायमेंशनल है, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, वन डायमेंशन हम बोल रहे हैं बार बार, इसलिए हमने एक्स के उसमें लिया है। ठीक है, आगे जाकर के थ्री डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेल्टा टू करके लेंगे अपन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपका क्या आ गया? क्या चाहिए आपको? इसको उधर इधर उठा के ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा टू साई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। इधर लेके जाओगे तो माइनस टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर आएगा, फिर इधर ले आओ एल एच एस में तो कितना आएगा? प्लस टू एम ई बाय एच कट स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक का पुराना ही काम है, अब तक क्या चेंज हुआ है? सिर्फ बाउंड्री चेंज की है मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब काम वही चल रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा था? एक कांस्टेंट लिख दिया था, और वो क्या लिखा था हमने? डेल्टा टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, साई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आई है। वन नंबर डाल दो, यहाँ पर जो के है वो क्या है? के स्क्वायर। ठीक है, हियर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर, तो इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर। ये हमारी वहाँ भी आ गई थी, है ना, वही सेम चल रहा है हमारा। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, यानी कि ये जो इक्वेशन मिली है इसका सॉल्यूशन,
मिलेगा तो साई की फॉर्म में, क्यों, लेकिन साई का किसकी फॉर्म में मिलेगा, एक्स की फॉर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन खूब सॉल्व की होगी आपने मैथमेटिक्स में, तो मेरे को नहीं लगता कोई समस्या होगी। तो साई एक्स आपके पास कितना आएगा, वही आएगा ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। मैंने पिछले उसमें बता भी दिया था कैसे आएगा। आप इसमें सी एफ निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम रखोगे, फिर एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा के आएगी, और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर अननोन कॉन्स्टेंट्स या अज्ञात नियतांक हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, इन्हीं के बारे में हमें पता लगाना है। और ये कैसे पता लगाते हैं अपन, बाउंड्री कंडीशंस लगा करके, है ना। वहाँ बाउंड्री कंडीशन क्या थी, बाउंड्री क्या थी, परिसीमा क्या थी, वहाँ पे x बराबर जीरो और x बराबर a थी। तो हमने बाउंड्री कंडीशन देखी थी कि x बराबर जीरो पर फंक्शन साई कितना होगा, x बराबर a पर कितना होगा, उसी से निकाली थी a और b की वैल्यू। अब निकालेंगे हम माइनस a बाई टू और प्लस a बाई टू के लिए, ये ध्यान रखना। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि a और b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो जो जहाँ जहाँ चेंजेस हो रहे हैं वहाँ मैं बताती जा रही हूँ। ओके, तो आप इसको करके रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।